नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पूरे 500 सालों के पश्चात बन रहा है दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। 28 अक्टूबर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण, इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। ये एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी बनेंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी सात पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी सात पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट होंगे दूर और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सुख आपके कदम चूमेंगे। अगर आप यह एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन, दोस्तों यकीन मानिए तत्काल गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, गरीबी जड़ से दूर हो जाएगी सदैव के लिए। अगर आप एक छोटी सी चीज 28 अक्टूबर यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन गाय को देते हैं, दोस्तों इस बार का शरद पूर्णिमा है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, आपके जीवन से तत्काल गरीबी को खत्म कर देगी। ये मान लें आप गाय से जुड़े इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं। दोस्तों, कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिसे करने से व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, व्यक्ति मालामाल हो जाता है और जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है, दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं विशेष और महत्वपूर्ण अचूक चमत्कारिक उपायों को बताने वाले हैं जो कि गाय से जुड़े हैं। अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाए, आप धन से मालामाल हो जाए और सात पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ाता चला जाए, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखना। शुरू से अंत तक बीच बीच में से काटकर वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो समय निकालकर पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। यह है शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। वैदिक ज्योतिष में पूरे वर्ष में केवल दिन चंद्रमा 16 कलाओं का होता है और इससे निकलने वाली किरणें अमृत के समान मानी जाती है। उत्तर और मध्य भारत में शरद पूर्णिमा की रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में पड़ने से ये कई गुणी गुणकारी और लाभकारी हो जाती है, यूं कहे कि अमृत के समान हो जाती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में रहती है। इस दिन व्यक्ति के जो भी रोग दोष वे दूर हो जाते हैं। इस खीर का सेवन करने से, अगर आप अगले दिन इस खीर का सेवन करते हैं प्रसाद स्वरूप, तो आपको लाभ होगा, धन लाभ होगा, ये मान लें आप। और शरद पूर्णिमा के दिन आपको संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और इस दिन अन्न धन वस्त्र जो भी हो, दान जब धर्म के कर्म जरूर करें। इस दिन और यथाशक्ति के अनुसार जैसा आपसे बने दान धर्म के कर्म जरूर करें और इस दिन पूर्णिमा व्रत की कथा सुननी या फिर पढ़ने जरूर चाहिए। और कथा से पूर्व एक लोटे में जल और गिलास में गेहूं और पत्ते के दोने में रोली और चावल रखकर कलश की वंदना करें और दक्षिणा चढ़ाएं। और इस दिन आपको अधिक से अधिक भगवान विष्णु जी मतलब लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और इस दिन आपको भगवान शिव पार्वती और भगवान कार्तिकेय की भी पूजा करनी चाहिए। सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण जाएगी, ये मान ले आप। और दोस्तों, अब बात करें कि आपको गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए जिससे कि आपके जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाए, सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे दूर हो जाएं और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएं, सुख आपके कदम चूमे और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसे चलिए। शुरू करते हैं गाय से जुड़ी कौन कौन से उपाय आपको शरद पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए। चलिए शुरू करते। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है।
गौ सेवा से ना सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। अगर काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गोमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। तो वो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे कुछ शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दोहते समय गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। अगर कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नर्क और जीवन भर की। दोस्तों गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से ये ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है, अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में व्रत असुर का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पापी के भागी बनकर नर्क भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा बनवाते हैं वह मां भाग्यवान होते हैं, ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना पानी डालकर आने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दोह लेने के पश्चात
फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी ढो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नर्क की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश ही है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही सात शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिन नचकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो दोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य अगर शनि राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो, अगर पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृ दोष खत्म हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पर जो खुद होता है वह बृहस्पति गुरु है थे जन्मपत्री में। अगर बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दे। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ अगर आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता आती हुई दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान लें, अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होंगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नेगेटिव ऊर्जा वास करती है। और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इससे आपके घर में सदैव दर्द ऊर्जा का वास रहेगा और आप जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें, बासी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है कोई सब्जी है सो जाए तो लोग क्या करते हैं गाय को खिला देते हैं। है नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप की भागी बन जाते हैं। बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके पश्चात आप उन 11 को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ से नहीं, पीठ पर हाथ पे नहीं, मस्तक पर हाथ पैर, माता गाय की आप चरण के स्पष्ट करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुहक का समय चल रहा है वे भी खत्म होगा। आपके जीवन खुशी है खुशी होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गायब हो कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय की वो जो रोटी रखें खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी, अब जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।